पाते ना हम बोल पाते आधे देर। उन लोगों ने अगर सही हिंदी नदी अंग्रेज को यहाँ भगाए ना होते तो हम ना होते ना आप होते, वो देश की आजादी ना होती। हम आप बोल जैसे बोल रहे इस प्रकार बोल ना पाते, देश की आजाद ना होते, यही हिंदुस्तान है। इसीलिए आज राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। 84,000 करोड़ का घोटाला करके अंदर रखा है। योगी शासन में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, बिल्कुल कुछ नहीं किया जा रहा, उनको देख देख के टारगेट किया जा रहा है। राशन देने से थोड़ी हो जाता है, काम पैसा रोजगार देना चाहिए। यूपी में योगी शासन कैसा है? योगी शासन तो भैया यूपी के अंदर इस तरह का है, एक पद की राजनीति करते हैं बाबा जी। देखिए 2024 में ये तय है कि मोदी जी आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत अभी रोकने वाली नहीं है। प्रयागराज के लोग किस चीज़ से परेशान? रोजी रोटी सबसे, सब हर जगह। भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, अधिकारी भ्रष्ट है तो उसमें पार्टी क्या करेगी? अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो उसको नुकसान होगा। भाजपा रहेगी कि जाएगी? भाजपा को तो भाई बहुत दिन हो गया, जाना ही चाहिए क्योंकि प्र धन याग यानी प्रयाग। प्रयाग दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र और याग। प्र माने प्रथम और याग माने यज्ञ। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले विश्व का जो सबसे पहला यज्ञ था वो इसी स्थान पर किया था, इसी भूमि पर किया था, जिसका नाम प्रयाग पड़ा और बाद में इसे बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया और अब फिर से इसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। तो प्रयागराज में हम इस समय उपस्थित हैं। ये प्रयागराज का आप देख सकते हैं शाहगंज इलाका है और यहाँ हम प्रयागराज में लोगों से ये जानेंगे कि अगला प्रधानमंत्री वो किसको देखना चाहते हैं। मिशन नेक्स्ट पीएम का ये एपिसोड आप सबके लिए आज हम प्रयागराज में लेकर आए हैं। तो चलिए प्रयागराज की जनता से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री वो किसको देखना चाहते हैं। तो पान की दुकान पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। प्रयागराज की जनता क्या चाहती है कि अगला वो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती है, बताएं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी के काम तो बढ़िया है। आगे आ जाएं, आगे अच्छा, आगे मोदी के काम तो बढ़िया है। हाँ। देश का काम भी अच्छा है। हाँ। विदेश में इनकी जो नीति है वो हाँ। सबसे अच्छी है। हाँ। हाँ? और जनता को क्या चाहिए? भ्रष्टाचार कम है मगर उस हिसाब से लगाम नहीं है। लगाम किस चीज पर नहीं है? भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है। नहीं, इतनी लगाम नहीं है, हाई लगाम मगर इतनी लगाम तो नहीं है। एक आदमी कितना जो है और होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है अगली बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे अब चाचा बनेंगे हम क्या बताएंगे, अभी हमको इतना तजुर्बा कहाँ है। तजुर्बा नहीं है जी, बताएं साहब अगली बार प्रधानमंत्री कैसे देखना चाहते हैं 24 में जो अच्छा काम करे उसे देखना चाहते हैं। हमारे हिसाब से तो बदलना चाहिए प्रधानमंत्री। बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना। कौन होना चाहिए? अब कोई भी हो लेकिन अच्छा प्रधानमंत्री हो। अभी ये नहीं कहा जा सकता कौन हो सकता है, लेकिन अच्छा काम जो अच्छा काम करे। 84,000 करोड़ का घोटाला करके अंदर रखा है। कितना घोटाला हुआ है? कौन कौन किसमें कौन करके रखा? अरे बुलडोजर काहे नहीं चलवा रहे हैं? अब तो कांड हो रहे हैं ना बहुत से, ऐसे करप्शन जो अभी उठ रहे हैं मामले, इनमें काहे नहीं, मतलब विपक्ष में नहीं चल रहा है बुलडोजर, तो पक्ष वाले सब मतलब बैठे हैं, पूरा विपक्ष में काम हो रहा है। कहाँ नहीं चल रहा है बुलडोजर? मतलब बुलडोजर तो मतलब अपने पक्ष में भी चलना चाहिए ना, जो जहाँ भी करप्शन है हर जगह चलना चाहिए। अगर चल रहा है माने यहाँ बुलडोजर चल रहा है और कोई नहीं, उनके यहाँ माफिया नहीं है, एक बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक एक काम का टारगेट करके उन्हीं पे कर रहे हैं, जैसे उनका हिंदुस्तान है ही नहीं है, उन लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया ही नहीं, यही टारगेट किया जा रहा है एक व्यक्ति को। सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं? सिर्फ हाँ, एक ही व्यक्ति एक कौम की बात की जा रही, जबकि सबसे ज्यादा उसी कौम ने देश के लिए संघर्ष किया, जायरपाक उल्ला खान साहब हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, फखरुद्दीन अली अहमद हो, तमाम ऐसे शहीद हुए जो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में, तमाम ऐसे शहीद जो मुसलमान थे, उनका देश है ही नहीं है, उनको एक तरफ टारगेट किया जा रहा है। अगर आप रज्जब अली है तो आपको नहीं होगा, आपको केस होगा, अगर आप राजकुमार है छोड़ दिया जाएगा। माने आपका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है?
बिल्कुल कुछ नहीं किया जा रहा, उनको देख देख के टारगेट किया जा रहा है। अगर उनके उनके पास कोई बड़ा संपत्ति है तो उसको हटाया जा रहा है, उनके ईडी भेज के सीबीआई भेज के हटाया जा रहा है। अगर वो पेट्रोल के मालिक है उनको पुस्टोलाइजेशन रद्द किया जा रहा है, उनके बुलडोजर चलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे तोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही एक आदमी पे टारगेट किया जा रहा है। हिंदुत्ववाद हिंदू राष्ट्र है ऐसे नहीं बनने वाला। हिंदू हमेशा यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मजहब वाला देश रहा है, हाँ भाई भाईचारे वाला देश रहा है। अच्छा, अच्छा एक यूसीसी और आने वाला है, यूसीसी बिल आने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? यूसीसी बिल ला के क्या करना चाहते हैं? एक और विवाद पैदा करना चाहते हैं। सिर्फ विवाद में रही ये पार्टी विकास की बात नहीं करती, सिर्फ हिंदू 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 मुसलमान करके इस देश में उराज करना चाहती है। सिर्फ एक वाद हो, एक वाद है, सिर्फ एक वाद हिंदू। आपका कहना है? बताइए एक ही जात के मतलब इसके अंदर है? हाँ, ये नहीं देखे जब यहाँ से बंटवारे में गए तो कितने काट के फेंक दिया? हाँ, कितने काट के फेंक दिया था? उसी को तो दिया। यही हिंदुस्तान जो आपको रखे, यही हिंदुस्तान। अगर ये जात पात देखो तो आप ना रहते हो, आप ना रहते हो। अगर आजादी ना होती तो आप ना बोल पाते, ना हम बोल पाते। उन लोगों ने अगर शहीदी नदी अंग्रेज को यहाँ भगाए ना होते तो हम ना होते ना आप होते। वो देश की आजादी ना होती, हम आप बोल जैसे बोल रहे इस प्रकार बोल ना पाते, देश के आजाद ना होते। यही हिंदुस्तान है। इसीलिए आज राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि हिंदू कम या और जाए मुस्लिम कम, सब ये देश के भारत के लोग हैं। भारत के लोग आपस में मिल के रहना चाहिए, यही मजहब का देश है। और अगर नहीं आप किसी की जमीन कब क्या कर लो, और अगर आप चलेगी क्या कर मोदी या होगी अपने बात रख दिन नहीं रखी ना बनाए के दिन क्या क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? अरे तो उसको जो फ्लैट मिले वो गरीबों को कहाँ मिले, जो मतलब उसका हकदार है उनको नहीं मिल रहा है कुल मिला के। इन्हें जो मतलब उसका पात्र नहीं है अपात्र लोगों को दिया जा रहा है, वो जो बना है वो भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कब्जा हटाने के लिए? देखिए मरने के लिए और कितने मजदूर यहाँ खड़े हैं, मजदूरी करने आ रहे हैं बेचारे, भूखे मर रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मानता हूँ भाजपा सरकार प्रधानमंत्री सरकार सही है, राशन देने से थोड़ी हो जाता है काम, पैसा रोजगार देना चाहिए है कि नहीं? राशन देने से काम नहीं चलेगा, रोजगार देने से चलेगा। रोजगार देने से काम चलेगा, रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ रोजगार कहाँ मिल रहा है? देखिए यहाँ पूरे मजदूर खड़े हैं। क्या काम करते हैं? हम लोग लेबर मिस्त्री वाला काम करते हैं, गारा ईटा वाला काम करते हैं, मकान बनाना। तो यहाँ लेबर चौक पे सुबह कितने बजे खड़े होते हैं? हम तो 7:30 बजे आ जाते हैं, और 7 बजे आ जाते हैं, नाश्ता वास्ता करके 7:30 बजे हाजिर हो जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद दिन भर खड़े हैं। सुबह से कुछ मिल ही नहीं रहा, देखो आज काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, ऐसे ही लौट जाते हैं, ऐसे लौट जाते हैं चाय पानी करके। अब कौन हम लोग का उद्धार करेगा गरीब? महीने में कितने दिन काम मिलता है? 10 दिन 5 दिन मिल गया बहुत है। कितना रुपया लेते हैं एक दिन का? अरे मजदूर तो 500 ले रहे हैं, मगर अभी समय मिल कहाँ रहा है, एक रुपये की कमाई नहीं हो रही है। मिस्त्री ले रहे हैं 700 ले रहे हैं, उनको मिल कहाँ रहा है? 800 ले रहे हैं, 700 ले रहे हैं, मगर महीने में 10 दिन काम करेगा तो कितना लंबा परिवार चलाएगा? आज के जमाना में एक दो तो है नहीं, कम से कम 10 परिवार है। क्या कहना चाहते हैं? सही बात बताया था उन्हें। अच्छा ये बताइए कि अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? जरूर बनेंगे भाई, जरूर बनाएंगे। आप जो अगर ऐसे संविधान अगर सही रहेगा तो सही रहेगा। संविधान सही है अभी? नहीं अभी तो कोई मानो कोई आरोप है नहीं है, माना जो इलेक्शन हुआ था सही हुआ था, माना जो सब सबके लिए बराबर कर दिए थे। मोदी की सरकार आना ही आना है, इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा, उसके सिवा कोई नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री भी वही बनेगा अगले पार्टी में जो अभी है उत्तर प्रदेश में। उनका प्रचार उनका काम बहुत बढ़िया है, लेकिन यही है थोड़ा बेरोजगारी कम है। बेरोजगारी में कम है, मानो खाते में डाल रहे थे, मानो प्रॉपर्टी, मानो कोई काला धन का मानो वो नहीं कि मानो 15 लाख नहीं, मानो 15 लाख की बात कर रहे हैं? नहीं वो काला धन जो नहीं जिसे भी चलवाया था, निकलवा दिए थे उसको, जो बिस्तर में लेटे थे उसको निकलवा के नई वाली निकलवाए थे जी। आपका क्या कहना है? अच्छा चाचा 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? देखिए 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और 25 में हट जाएंगे। 25 में हट जाएंगे भाई, उनका जो
एक समय होता है, एक उम्र होती है, एज होती है कि नहीं होती प्रधानमंत्री की, इतने दिन तक रहना है, इतने दिन तक नहीं रहना है। तो नरेंद्र मोदी जो है 24 में बनेंगे और 25 में उतर जाएंगे। ठीक, फिर 25 में कौन बनेगा? योगी योगी नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री योगी नहीं बनेंगे। कौन आ सकता है? अमित शाह बनेगा। अमित शाह? अमित शाह क्यों बनेंगे भाई? गुजरात की लाभी है पूरी। वही राजनीति कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उन्हीं की जो है चंगुल में है। कांग्रेस का क्या विचार? कांग्रेस फाइट कर रही है और हो सकता है कांग्रेस भी आ सकती है। कांग्रेस इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के बाहर हर जगह पे कांग्रेस जो चल रही है, कांग्रेस अच्छी आ रही है और कांग्रेस भी जो मुद्दा लेके चल रही है। अभी देखिए वहाँ पर जो इलेक्शन जीता उन लोगों ने, बहुत चीजें किया है, उससे जनता खुश है। जनता को राहत चाहिए, ये बुलडोजर नहीं चाहिए। बुलडोजर बाबा नहीं चाहिए। हाँ, अपनी लड़ाई ना लड़ो, जनता की लड़ाई लड़ो, जनता के लिए कुछ करो, ये तो अपनी लड़ाई लड़ना है। यूपी में योगी शासन कैसा है? योगी शासन तो भैया यूपी के अंदर इस तरह का है, एक पक्ष की राजनीति करते हैं बाबा जी। एक पक्ष की? हाँ, ऐसी एक पक्ष की भाई, एक पक्ष की है इनकी राजनीति। हिंदू मुसलमान वही कर ही रहे हैं वो भैया, और क्या कर रहे हैं, वही राजनीति करते हैं, वही चल रहा है उनका। तो हिंदू के बारे में नहीं सोचते हैं? नहीं, देखिए आप प्राइम मिनिस्टर हुए चाहे चीफ मिनिस्टर हो, आप देश के मालिक हो गए, अपने प्रदेश के मालिक है। जनता जिस धर्म की हो सबके लिए आप करिए अच्छा, सब खुशहाल रहें, सब होता है कि अच्छा नेता या अच्छा प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ नहीं देखा जाता, सब तरफ देखा जाता है। क्या लगता है जीने नहीं दे रहे क्या योगी जी? जीने नहीं दे रहे योगी जी मुसलमानों को? नहीं, देखिए योगी जी का कार्य सब सही है, ठीक है, लेकिन लोग योगी जी है ना विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा। लोगों के, क्योंकि लोगों को काम चाहिए भाई, लोगों को सर्विस चाहिए, वो अभी तक उन्होंने निकाला नहीं। प्रयागराज में क्या क्या समस्याएं देखते हैं आप? प्रयागराज में बहुत समस्याएं हैं। पहली चीज तो नाला भर जाता है, सफाई नहीं होती है, ठीक है भाई। जो महापौर है उसको भी देखना चाहिए, ये महापौर का काम है, ठीक है। योगी जी वहाँ से आके नहीं देखेंगे, महापौर यहाँ पर रहता है वो आके देखे, ठीक है। यहाँ पर परसों नाला भरा हुआ था पूरे में, सफाई करवाने में समझिए नाक में चनक हो गया, ठीक है। तो ऐसा काम करें जिससे सबको संतुष्टि हो। योगी जी का कोई कार्य बुरा नहीं है, कार्य बुरा है सिर्फ प्रशासन का, ठीक है। तो प्रशासन को कौन देखेगा? प्रशासन को योगी जी देखेंगे। फिर क्यों नहीं देख रहे हैं भाई वो? देखे 2024 में क्या लगता है, कांग्रेस आएगी या भाजपा? देखिए 2024 में ये तय है कि मोदी जी आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत अभी रोकने वाली नहीं है, ठीक है, उन्हीं को आना है। क्यों आना है उनको? क्या ऐसा लगता है आपको कि उनके अलावा कोई नहीं आ सकता? भाई वो कार्य अच्छा कर रहे हैं, उनकी तो मैं बुराई नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और भाई मैं तो उनके उसका हूँ, समर्थक हूँ, मैं मुस्लिम जरूर हूँ लेकिन मैं उनका समर्थक हूँ। कह रहे हैं कि योगी मोदी जी से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, मतलब मोदी जी से अच्छा कोई है ही नहीं। नहीं नहीं है, कोई नहीं है, वो बता रहे हैं। ठीक है भाई, मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है। तो मोदी जी आए, हमने मोदी जी का विरोध तो किया नहीं, हमने मोदी जी का, हमने यही कहा कि प्रधानमंत्री वो 24 में बनेंगे, 25 में उतर जाएंगे, उनका वक्त खत्म हो जाएगा, समय दूसरा प्रधानमंत्री आ जाएगा। यही मोदी जी के अलावा और कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? हमें तो मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो योगी आदित्यनाथ बनेंगे। योगी जी बनेंगे, आपको क्या लगता है? हमें कोई नहीं है, हमें धंधा नहीं चल रहा है, यही का काम है। धंधा नहीं चल रहा है? कहा कोई धंधा का एकदम काहे नहीं चल रहा धंधा? पका काहे नहीं चल रहा है? योगी जी पूछ के बतावे, योगी जी पूछ के बतावे। चलिए आइए आइए, क्या लगता है आपको 2024 में? अच्छा 2024 में इतना बता दो, 2024 में कांग्रेस या भाजपा? भाजपा 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 2024 में इलेक्शन है, वापस मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? तो हम क्या जानते हैं, आपको क्या लगता है? बनेंगे क्यों नहीं? बनेंगे मोदी जी बनेंगे, कोई और बनेगा? कौन और कोई और कहाँ बनेगा? बुलडोजर के डर से सब अच्छा कह देंगे, झुड़वाई है था झोपड़ी।
सवाल पूछें, 24 में कौन, बीजेपी या कांग्रेस? भाई आई डोंट नो, डोंट नो। आपको क्या लगता है? बताओ ना बीजेपी, काहे डर रहे हो? कह नहीं सकते ना, बीजेपी या कांग्रेस? अरे यार कुछ भी आए वो अपने लिए तो कोई फायदा की नहीं है चीज़ कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी पक्का? पक्का। बीजेपी क्यों नहीं आएगी? अब क्या बताए वो क्यों नहीं आएगी, क्या बीजेपी नहीं आएगी, काहे नहीं आएगी? बीजेपी के साथ है बंदा उबड़ खाबड़ है, कुछ कहने नहीं, क्या करने आएंगे? प्रशासन सही नहीं? प्रशासन सही नहीं। अच्छा क्या कमी है? बहुत कमी है, किन्ना किन्ना। अगर 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 मोदी जी आपसे पूछे कि कमियां बताइए हम सुधारेंगे, तो आप क्या क्या कमी बताएंगे? नहीं सुधार पाएंगे ना? नहीं सुधार पाएंगे? क्यों नहीं सुधार पाएंगे? वो अपना नहीं सुधार पाए तो दूसरे क्या सुधारेंगे? अपना नहीं सुधार पाए। हाँ भैया क्या लगता है आपको? मस्त है, आप बताइए क्या क्या कमियां हैं? अरे क्या बताए, बहुत है कमी है, कितना महंगाई है, कुछ कहने की नहीं। महंगाई से परेशान, रोजी से परेशान, सब कुछ से परेशान। प्रयागराज के लोग किस चीज से परेशान? रोजी रोटी सबसे, सब हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में रोजी रोटी से परेशान परेशान है। धंधा नहीं है? धंधा नहीं है, कोई आते सुबह से लेकर शाम तक लगाता है दिन भर रोटी के लिए, तो रोटी भी नहीं पूरा होता। नहीं महंगाई से तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, महंगाई है तो सभी के लिए है, लेकिन ये सिर्फ एक चीज अगर छोड़ दे तो इनसे अच्छी सरकार ना रहे, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम छोड़ दे तो इनसे अच्छी सरकार ना रहे। महंगाई आपके लिए भी, हमारे लिए भी है, वो सबके लिए है। बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? हाँ ये राजनीति ये खत्म कर दे तो यही सरकार रहे, मैं खुद इनको वोट दूंगा। अच्छा आप मुस्लिम? जी हाँ मैं मुस्लिम हूँ। आपको लगता है कि अच्छा अगर ऑप्शन देखा जाए कि बीजेपी के अलावा तो कौन हो सकता? बीजेपी के अलावा तो राहुल गांधी बेस्ट। राहुल गांधी? जी हाँ। आपको लगता है राहुल गांधी आने चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल, हर को मौका मिलना चाहिए। अच्छा अगर राहुल गांधी आते तो महंगाई कम हो जाएगी? नहीं कम तो नहीं होगा, वो चलेगी, मगर हर को मौका देना पड़ेगा, मौका देना चाहिए, हर को मौका देना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया जी। जनाब आपको क्या लगता है? नहीं हमको कुछ नहीं, कुछ नहीं लगता। दो हजार चौबीस में इलेक्शन है तो मोदी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे कि नहीं? मोदी का तो बनना है, कोई रोक नहीं सकता। मोदी बनेंगे? मोदी ही बनेगा। आपको क्या लगता है? भैया ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कौन बनेगा जी। भैया जिसकी सरकार उसका सब कुछ है। और भाई तो बीजेपी या कांग्रेस? अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन बनेगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। अच्छा अभी मोदी का शासन कैसा है? ठीक है, उसका साधन इतना अच्छा है तो हर आदमी उसी को वोट जीतना, उसी को। कांग्रेस की लड़ाई है और मोदी की है और कोई की नहीं, दो आदमी के अंदर में बस लड़ाई है और 90% उम्मीद है मोदी को आने की। मोदी के आने की? मोदी के आने की उम्मीद है। हाँ जी 2024 में कौन, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हो गए हैं, महंगाई के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, तमाम चीजों के नाम पर, इसलिए अब देश को बचाने के लिए कांग्रेस ही विकल्प है। मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। कहीं भ्रष्टाचार नहीं, आपके सामने देखिए तमाम जगह भ्रष्टाचार हो रहा है और कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है 2024 में बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बनेगी? अब भाई बीजेपी जैसा काम कर रही है तो बीजेपी आएगी। भाई साहब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है। अब भ्रष्टाचार तो हरी सरकार में रहता है, वो पार्टी थोड़ी नहीं करती, अधिकारी करते हैं। अब अधिकारी भ्रष्ट है तो उसमें पार्टी क्या करेगी? क्या क्या लगता है आपको? कह रहे हैं पार्टी नहीं करती है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बहुत है उत्तर प्रदेश के अंदर, समाजवादी पार्टी को सफा करने के लिए अखिलेश समाज खड़ा हुआ है, सपा सफा होगी और सपा के सफा होने पर विकल्प है कांग्रेस। सपा और कांग्रेस मिलकर आ रही हैं, गठबंधन कर रहे हैं। सपा के खिलाफ पूरा प्रदेश का मुसलमान एक लामबंद हो चुका है, अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो उसको नुकसान होगा कांग्रेस को। हाँ फिर बीजेपी जीतेगी?
अब कौन जीतेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन नुकसान होगा। सपा से लोग नाराज हैं, सपा से नाराज हैं। यूपी में सपा नहीं आ सकती अब दोबारा? अब सपा तो सपाया हो ही गया है, अब भाई यूपी में तो योगी जी रिपीट करेंगे और योगी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाना चाहते हैं। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जी? मोदी जी गायब? हाँ, हम अधिवक्ता जीशान अहमद हमारा नाम है और हम तो यही चाहेंगे कि योगी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि तो यूपी में जो भी काम हो रहा है वो योगी जी के ही उससे हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है, तो हम लोग योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शुक्रिया। क्या लग रहा है आज? लग क्या रहा है, जैसे पब्लिक कह रही है उसे सुनते हैं क्या समझे? ये परेशानी देखते हुए भाजपा रहेगी कि जाएगी? भाजपा को तो भाई बहुत दिन हो गया, जाना ही चाहिए, क्योंकि दूसरा भी तो कोई आश्रय में बैठा हुआ है पानी पीने के लिए। जब भाजपा ही सब पी जाएगी तो हम आप पब्लिक क्या पिएगी या दूसरा आदमी क्या पिएगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ, पढ़ाई इतनी मेहनत से कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है। पहुँचाने जाता हूँ स्टेशन तो उनसे सुन लेता हूँ कि भाई भाजपा को हटना चाहिए। अब देखिए जनता का क्या रूप है, हमारे सोचने से या हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, अगर भाजपा नहीं रही तो कौन आएगा, कांग्रेस? बता नहीं सकते, उम्मीद तो यही पब्लिक कहती है मगर बहुत कम उम्मीद है।